हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई। तो कैसे हैं आप सब? आज हम देखेंगे केमिस्ट्री, बिहार पॉलिटेक्निक का, या फिर पॉलिटेक्निक के केमिस्ट्री के बारे में। ये केमिस्ट्री जो है बिहार, यूपी, झारखंड, जितना भी हिंदी स्टेट है, उन सभी राज्य के पॉलिटेक्निक में आपका उपयोगी होगा। इसमें देखिए, हम पहले ही पढ़ चुके हैं पदार्थ की प्रकृति के बारे में, परमाणु संरचना के बारे में, रेडियो एक्टिविटी के बारे में, केमिकल बॉन्डिंग भी पढ़ चुके हैं, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट भी पढ़ चुके हैं, रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक संकेत एवं समीकरण पढ़ चुके हैं, परमाणु द्रव्यमान इकाई और मोल संकल्पना, और अगला हम पढ़े हैं गैसीय नियम, रासायनिक अभिक्रिया में ऊर्जा परिवर्तन। इसके बाद पढ़े थे हम ईंधन के बारे में और सूर्य और नाभिकीय ऊर्जा के बारे में। उसके बाद हम पढ़े हैं धातु एवं अधातु के बारे में और घोल या फिर विलयन के बारे में, जल एवं जल की कठोरता, अम्ल, क्षार तथा लवण के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं। अम्ल, क्षार एवं लवण, एसिड, बेस एंड सॉल्ट। जैसे देखिए, अम्ल क्या होता है? अम्ल जो है आरहेनियस के अनुसार हम बता रहे हैं पहले, ठीक है, वह ध्यान रखिएगा। अम्ल जो है आरहेनियस के अनुसार, अम्ल जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है। लेकिन एक और वैज्ञानिक है, आरहेनियस जो है एक वैज्ञानिक के नाम है, उनके अनुसार अम्ल जो है वह जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है। लेकिन एक ब्रोंस्टेड लॉरी है एक वैज्ञानिक के नाम, तो उसको सिर्फ लॉरी याद रखिएगा। लॉरी के अनुसार अम्ल जो है प्रोटॉन देता है। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिएगा एक एक पॉइंट, जैसे अनिल, एक शब्द होता है अनिल, याद रखिएगा, इससे क्या है कि अम्ल जो है नीला लिटमस पत्र को लाल में बदल देता है। अम्ल जो है नीला लिटमस पत्र को, आ से हो गया अम्ल, नी से हो गया नीला, लिटमस पत्र पत्र को ऐसे हो गया लाल में बदल देता है अम्ल। अम्ल के गुणधर्म के बारे में देखेंगे, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। अम्ल जो है धातु से अभिक्रिया करके H2 गैस देता है, ध्यान रखिएगा। अम्ल जो है धातु कार्बोनेट या फिर बाई कार्बोनेट, यानी धातु कार्बोनेट हो या फिर धातु बाई कार्बोनेट हो, उससे अभिक्रिया करके CO2 गैस देता है। और अम्ल जो है क्षार के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण और जल बनता है, यह भी ध्यान रखिएगा। अब अगला पॉइंट आता है, वह है क्षार यानी बेस। बेस जो है आरहेनियस के अनुसार क्षार जो है जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन यानी OH आयन देता है। लेकिन ब्रोंस्टेड लॉरी के अनुसार क्षार जो है वह प्रोटॉन लेता है, देता नहीं है, ध्यान रखिएगा। और क्षार के गुणधर्म देखते हैं, क्षार जो है धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो वह भी हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। लेकिन क्षार जो है धातु कार्बोनेट या फिर धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ हमेशा अभिक्रिया नहीं करता है। और अगला जो पॉइंट आता है, वही क्षार जो है अम्ल के साथ अभिक्रिया करके वही लवण और जल देता है। अब थर्ड पॉइंट हम देखेंगे सूचक के बारे में, यानी इंडिकेटर। इंडिकेटर क्या चीज़ है? इंडिकेटर वह है जिनका रंग अम्ल या फिर क्षार में परिवर्तित हो जाता है, या फिर इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि वे पदार्थ जिनका रंग अम्ल या क्षार में परिवर्तित हो जाता है इंडिकेटर कहलाता है। जैसे देखिए यहाँ पे इंडिकेटर मुख्य रूप से हम यहाँ पे पांच प्रकार के बताएंगे आपको। एक होता है मेथिल ऑरेंज। मेथिल ऑरेंज जो है वह अम्लीय विलयन में लाल हो जाता है और क्षारीय विलयन में पीला रहता है मेथिल ऑरेंज। और अगला है मेथिल रेड, जो कि अम्लीय विलयन में लाल तो रहता ही है और क्षारीय विलयन में यह भी पीला हो जाता है। अब एक आता है लिटमस। लिटमस पत्र जो है वह लाल हो जाता है अम्लीय विलयन में, हम पीछे ही बताए हैं कि नीला लिटमस पत्र लाल हो जाता है और क्षारीय विलयन में लाल लिटमस पर नीला हो जाता है। फिनॉल रेड एक और होता है, फिनॉल रेड जो कि पीला हो जाता है अम्लीय विलयन में और क्षारीय विलयन में लाल होता है। और एक होता है फिनॉल फ्थेलिन, याद रखेगा यह बहुत ही पूछता है, यह जो है रंगहीन रहता है अम्लीय विलयन में और क्षारीय विलयन में गुलाबी हो जाता है, यानी अम्लीय विलयन में इसका रंग नहीं रहता है, यानी वाइट रहता है और क्षारीय विलयन में यह गुलाबी हो जाता है। अगला पॉइंट आता है, वह है लवण। चौथा पॉइंट है लवण यानी साल्ट। देखिए, साल्ट में मुख्यतः हमें जो है कुछ प्रकार के यौगिक के बारे में पढ़ना है। जैसे देखिए, एक होता है समान लवण। समान लवण क्या है? ये अम्ल और क्षार के पूर्ण उदासीकरण के फलस्वरूप बनता है। इसमें क्या होता है कि प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के साथ अभिक्रिया करता है, या फिर दुर्बल अम्ल जो है वह दुर्बल क्षार के साथ अभिक्रिया करता है, उसके बाद जो प्रोडक्ट बनता है वही होगा समान लवण, जैसे कि NaCl, अमोनियम क्लोराइड। यह ध्यान रखिएगा कि कौन समान लवण है, कौन अम्लीय लवण है, कौन
मिश्रित लवण है, कौन क्षारीय लवण है, यह भी ध्यान रखेगा। जैसे NaCl NH4 और अमोनियम क्लोराइड या फिर सोडियम सल्फेट Na2SO4, ये जितना भी है ये सभी समान लवण है। अब अगला आता है वह है अम्लीय लवण यानी एसिड बेस एसिड साल्ट। ये जो है क्षार के द्वारा अम्ल के अपूर्ण उदासीकरण के फलस्वरूप बनता है, यानी क्षार जो है वह दुर्बल रहता है लेकिन अम्ल यहाँ पे जो रहता है वह प्रबल रहता है। एक इसका उदाहरण जैसे है सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट बाइसल्फेट इसी को बोलते हैं। सेकेंड है पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और इसको हम पढ़ते हैं सोडियम बाई फॉस्फोराइड, PO4 जो है इसको फॉस्फोराइड बोलते हैं और H लगा हुआ है इसलिए यहाँ पे हम बोलेंगे सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फोराइड या फिर सोडियम बाई फॉस्फोराइड, यह भी ध्यान दीजिएगा। अब अगला आता है वह है मिश्रित लवण यानी मिक्स्ड साल्ट। ये एक अम्ल के दो क्षारों द्वारा अथवा एक क्षार के दो अम्लों द्वारा उदासीनीकरण के फलस्वरूप बनता है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। यह जो है एक अम्ल के दो क्षारों द्वारा या फिर एक क्षार के दो अम्लों द्वारा उदासीनीकरण के फलस्वरूप बनता है। जैसे एग्जांपल इसमें CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसको बोलते हैं। अब अगला है वह है द्विक लवण, इसको बोलते हैं डबल साल्ट। ये दो समान लवणों के विलयन के वाष्पन के फलस्वरूप बनता है, जैसे कि इसका एग्जांपल है फेरस सल्फेट इंटू अमोनियम सल्फेट इंटू 6H2O होता है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक तो है फेरस सल्फेट, ये फेरस सल्फेट हो गया, सेकेंड हो गया अमोनियम सल्फेट और थर्ड हो गया 6H2O, ये होता है द्विक लवण। अगला पॉइंट है वह है संकर लवण, इसको कॉम्प्लेक्स साल्ट बोलते हैं। जैसे कि ये जो है दो यौगिक के अभिक्रिया के फलस्वरूप बनता है, एक तो है पोटेशियम, इसको बोलते हैं पोटेशियम फेरोसाइनाइड, पोटेशियम K4FeCN6 फेरोसाइनाइड इसको बोलते हैं। अगला पॉइंट आता है वह है लवणों का जल अपघटन यानी साल्ट हाइड्रोलाइसिस। इसमें देखिए फर्स्ट है प्रबल अम्ल तथा दुर्बल क्षार का लवण, इसका पीएच जो है 7 से कम होता है। क्यों 7 से कम रहता है? क्योंकि इसमें प्रबल अम्ल है तो अम्ल के पीएच जो है वह 7 से कम ही रहता है, तो इसका भी पीएच रहेगा वह 7 से कम रहेगा। जैसे NH4Cl, इसमें प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार का लवण होता है। जैसे देखिए एक हो गया NH4OH जो कि दुर्बल क्षार होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और सेकेंड है HCl जो कि प्रबल अम्ल होता है, यानी प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार से मिलकर बनता है NH4Cl। इसलिए NH4Cl जो है इसका जो माध्यम है वह हमेशा अम्लीय ही रहता है। अब अगला आता है वह दुर्बल अम्ल या फिर प्रबल क्षार का लवण। प्रबल क्षार यहाँ पे आ गया तो इसका जो पीएच रहेगा वह 7 से अधिक रहेगा हमेशा। जैसे एक आता है CH3COONa और H2O के साथ जब मिलाते हैं इसको पानी में तो यह टूटता है दुर्बल अम्ल। एक होता है CH3COOH और एक है प्रबल क्षार NaOH। अब अगला है वह है जैसे कि पोटेशियम साइनाइड, इसी प्रकार सोडियम कार्बोनेट, यह भी जो है प्रबल क्षार और दुर्बल अम्ल के मिलने से बनता है। अब थर्ड पॉइंट है इसमें वह है प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षार का लवण। इसमें जैसे देखिए दोनों हम ऊपर बताएं, एक होता है प्रबल अम्ल तो इसमें सेकंड पॉइंट आएगा दुर्बल क्षार, उसी के बाद आए दुर्बल अम्ल तो इसमें आएगा प्रबल क्षार। अब थर्ड में आता है प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षार का लवण, इसका पीएच जो है वह हमेशा 7 रहेगा। क्यों? क्योंकि दोनों ही अम्ल हो चाहे क्षार हो, दोनों ही प्रबल है तो उदासीन हो जाता है इसका यौगिक। जैसे हो गया NaCl पोटेशियम सल्फेट K2SO4 बेरियम नाइट्रेट BaNO3, इसका जो जल अपघटन है यह नहीं होता है, यह भी ध्यान दीजिएगा। अब अगला पॉइंट है वह है दुर्बल अम्ल तथा दुर्बल क्षार का लवण, जो कि इसका जो पीएच होगा वह होगा हमेशा 7। क्यों? क्योंकि दोनों ही दुर्बल है। एक होता है CH3CONH3, इसको बोलते हैं कार्बनिक लवण, जो कि H2O के साथ मिलकर दुर्बल क्षार NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड और दुर्बल अम्ल
CH3COOH और बनाता है, और एक और होता है NH4 अमोनियम कार्बोनेट। यहाँ ध्यान दीजिएगा H है, यहाँ पे NH है, ठीक है, NH4 अमोनियम कार्बोनेट। अगला पॉइंट आता है वह है, यहाँ तक जो है ये चैप्टर समाप्त हो गया। अब अगला पॉइंट है वह है इसका वस्तुनिष्ठ प्रश्न, चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है वह है NH2 का संयुग्मी अम्ल है NH3, NH2OH या फिर NH4 या फिर N2H4। तो इसका जो राइट आंसर है वह है NH3। NH3 जो है अमोनिया, वह NH2 का संयुग्मी अम्ल होता है। अगला बिंदु है वह है अमोनियम या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रबल क्षार है क्योंकि, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रबल क्षार है क्योंकि यह बहुत आयनीकृत होता है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, यह पानी में अधिक घुलनशील है, यह प्रबल अम्लों को उदासीन करता है, या इनमें हाइड्रोक्साइड आयन होते हैं। तो इसमें जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इसमें हाइड्रोक्साइड आयन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल तथा क्षार दोनों की तरह व्यवहार करता है, अम्ल तथा क्षार दोनों की तरह कौन व्यवहार करता है, HCl, H2SO4, H2O या फिर NH3। तो इसका जो राइट आंसर है वह है H2O। जल जो है वह अम्ल तथा क्षार जो भी इसमें डाल दिया जाएगा उसी की तरह यह व्यवहार करेगा जल। अगला क्वेश्चन है वह है फेरस FeCl3, इसको बोलते हैं फेरस क्लोराइड का जलीय विलयन होता है अम्लीय क्षारीय, अम्लीय तथा क्षारीय दोनों या फिर उदासीन। फेरस क्लोराइड का जलीय विलयन जो है वह अम्लीय होता है। अगला क्वेश्चन है वह हाइड्रोजन ब्रोमाइड का संयुग्मी क्षार है H3PO4 या फिर एच हाइड्रोजन आयन या फिर ब्रोमीन आयन या फिर ब्रोमीन प्लस आयन या फिर ब्रोमीन माइनस आयन। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, ब्रोमीन माइनस आयन। संयुग्मी क्षार जैसे देखिए हाइड्रोजन प्लस आयन नहीं हो सकता, ब्रोमीन प्लस तो होगा ही नहीं, ब्रोमीन माइनस होता है, और H3PO4 में हाइड्रोजन ब्रोमीन है ही नहीं, तो यह भी नहीं होगा। इसका जो राइट आंसर है ब्रोमीन माइनस आयन, यानी ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर अगला छठा है वह है H2PO4 माइनस का संयुग्मी अम्ल है H3PO4 या फिर PO4-3 या फिर H2PO4- या फिर हाइड्रोनियम आयन, इसको बोलते हैं H3O+। तो देखिए इसमें जो है इसको हम लिख सकते हैं H2PO4- को यदि हमें माइनस हटाना है तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन आयन दे दिया जाएगा, तो H3 यहाँ पे हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा H3PO4। क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि एक बहु क्षारकीय अम्ल किसी क्षार द्वारा आंशिक रूप से उदासीन होता है तो इसे कहते हैं अम्लीय लवण, क्षारीय लवण, मिश्रित लवण या फिर उदासीन लवण। तो इसको जो है हम बोलते हैं अम्लीय लवण। यदि एक बहु क्षारकीय अम्ल जो है किसी क्षार द्वारा आंशिक रूप से उदासीन होता है, क्षार द्वारा उदासीन हो रहा है तो इसलिए उस अम्ल में जो है अम्लीय प्रकृति जो रहेगा वह ज़्यादा रहेगा, इसलिए वह जो लवण होगा वह अम्लीय होगा। अगला क्वेश्चन है मिश्रित लवण बनता है एक अम्ल व दो क्षारकों की क्रिया द्वारा, एक अम्ल व एक क्षार की क्रिया द्वारा, ऑप्शन ए में है ए और बी दोनों से, और ऑप्शन डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वह है एक अम्ल व दो क्षारकों की क्रिया द्वारा, मिश्रित लवण जो है वह एक अम्ल दो क्षारक की क्रिया द्वारा बनता है। अगला क्वेश्चन है वह ब्रॉन्स्टेड लॉरी संकल्पना के अनुसार एक क्षार वह पदार्थ है जो क्रिया करता है, क्षार के परिभाषा बोलने बोल रहा है आपको ब्रॉन्स्टेड लॉरी संकल्पना के अनुसार। तो इसमें ब्रॉन्स्टेड लॉरी क्या बोलता है कि क्षार जो है वह प्रोटॉन को ग्रहण करता है, यानी प्रोटॉन ग्राही होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एक प्रोटॉन ग्राही की तरह। क्वेश्चन नंबर 10 है वह है NH3PO4, इसको बोलते हैं सोडियम फॉस्फोरस, यह भी ध्यान रखिएगा सोडियम फॉस्फोराइट इसको बोलते हैं, फॉस्फोरस नहीं, यहाँ लिख देते हैं सोडियम फॉस्फोराइट।
सोडियम फॉस्फोराइट लवण है, एक है समान लवण, सेकेंड ऑप्शन है अम्लीय लवण या फिर क्षारीय लवण या फिर मिश्रित लवण। या सोडियम फॉस्फोराइड जो है एक प्रकार के समान लवण है, इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल तथा क्षार दोनों की तरह कार्य करता है, सल्फेट आयन या फिर हाइड्रोजन सल्फेट आयन या फिर H2SO4 अम्ल या फिर SO2। अम्ल तथा क्षार की तरह कौन कार्य करता है आपसे पूछ रहा है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फेट आयन जो है अम्ल तथा क्षार दोनों की तरह कार्य करता है, याद रखिएगा। अमोनिया का संयुग्मी क्षार है, अमोनियम आयन का संयुग्मी क्षार है NH3 NH2 माइनस आयन या फिर NH2OH या फिर N2H4। अमोनियम आयन का जो संयुग्मी आयन है वह है अमोनिया यानी NH3, इसको बोलते हैं अमोनिया और इसको अमोनियम बोलते हैं, यह भी ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है वह है HNO3 का संयुग्मी क्षार है, HNO3 का जो संयुग्मी क्षार है वह होता है NO3 माइनस आयन। माइनस आयन क्यों है, क्योंकि हाइड्रोजन जो है यहाँ पे प्लस रहता है, यानी NO3 के ऊपर जो आयन जो संयोजकता रहेगा वह माइनस में रहेगा, वो भी वन। अगला क्वेश्चन है वह है HCl के 10^-8 मोलर विलयन का pH होगा, यहाँ pH निकालने बोल रहा है, जैसे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे जैसे देखिए HCl जो है वह टूटता है H प्लस आयन में प्लस Cl माइनस आयन में, HCl का जो मोलर है वह है 10^-8, तो यहाँ से हाइड्रोजन आयन का जो मोलर होगा वह भी होगा 10^-8। क्यों होगा, यदि यहाँ पे 2 रहता लास्ट गुना हाइड्रोजन में, तो यहाँ पे 2 गुना कर देते हैं, 1 है तो 1 होगा गुना, तो इसलिए 10^-8 ही आएगा। अब यहाँ से आ गया हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, तो यहाँ से pH निकालेंगे, pH होता है माइनस log हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 10^-8 है, तो इसका जो आता है वह माइनस इंटू माइनस 8 और लॉग 10 हो जाता है 1, इसलिए इसका मान हो जाता है प्लस 8। इसका जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है वह है, निम्नलिखित में से कौन सा ब्रॉन्स्टेड अम्ल तथा क्षार दोनों के रूप में व्यवहार करता है, अम्ल तथा क्षार दोनों के रूप में कौन व्यवहार करता है, अमोनिया या फिर सल्फेट आयन या फिर HSO4 आयन या फिर सोडियम आयन। इसका जो राइट आंसर है वह है हाइड्रोजन सल्फेट आयन। हम पहले ही बताए थे इसको कि हाइड्रोजन सल्फेट आयन जो है वह दोनों अम्ल तथा क्षार दोनों के रूप में व्यवहार करता है। अगला क्वेश्चन है वह है सिल्वर अमोनियम क्लोराइड, इसको सिल्वर अमोनियम क्लोराइड इसको बोलते हैं, है किस प्रकार के लवण है, समान लवण, मिश्रित लवण, संकर लवण या इनमें से कोई नहीं। हम पीछे बताएं आपको ये सभी, समान लवण क्या होता है, मिश्रित लवण क्या होता है या फिर संकर लवण क्या होता है। तो अमोनियम सिल्वर अमोनियम क्लोराइड जो है यह एक प्रकार के संकर लवण है, यह भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मोर लवण है साधारण लवण या फिर दीप्त लवण या फिर मिश्रित लवण या फिर क्षारीय लवण। मोर लवण जो है वह याद रखिएगा दीप्त लवण है। अब अगला क्वेश्चन है, फिटकरी का सूत्र होता है, देखिए फिटकरी क्या होता है यह भी ध्यान रखिएगा कि फिटकरी का सूत्र किस प्रकार याद रखना है। देखिए पोटेशियम सल्फेट एल्युमिनियम सल्फेट इंटू 24H2O, यह भी ध्यान रखिएगा, पोटेशियम सल्फेट एल्युमिनियम सल्फेट इंटू 24H2O रहता है फिटकरी का सूत्र। अगला क्वेश्चन होगा वह है, फिनोल्फथैलिन गुलाबी रंग देता है क्यों, किस में देता है फिनोल्फथैलिन गुलाबी रंग। हम सूचक में बताए हैं कि फिनोल्फथैलिन जो है वह गुलाबी रंग क्षार के साथ देता है, और फिनोल्फथैलिन है एक दुर्बल अम्ल, दुर्बल क्षारक या फिर प्रबल अम्ल या फिर प्रबल क्षारक, तो फिनोल्फथैलिन जो है वह एक प्रकार के दुर्बल अम्ल होता है। पीएच पैमाना विकसित किया था, किसने किया था पीएच पैमाना विकसित, तो इससे पिछले वाले चैप्टर में हम बताए थे आपको कि पीएच जो है वह सॉरेंस ने दिया था, सॉरेंस नाम के एक वैज्ञानिक है, उसने पीएच पैमाना विकसित किया था। अगला क्वेश्चन है वह है, अमोनियम क्लोराइड का पीएच मान होगा 7 से अधिक, 7 से कम, 7 के बराबर या फिर ज्ञात नहीं किया जा सकता। तो अमोनियम क्लोराइड का जो पीएच मान आता है वह 7 से कम आता है, क्यों, क्योंकि यह जो है अम्ल होता है अमोनियम क्लोराइड। अगला क्वेश्चन है, CH3COOH का संयुग्मी क्षार है
सी एच थ्री सी डबल ओ माइनस आयन और एच थ्री ओ प्लस आयन, इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। और अगला ऑप्शन है सी एच थ्री सी डबल ओ एच टू आयन, और अगला ऑप्शन है वह है हाइड्रोजन माइनस आयन। तो देखिए सी एच थ्री सी डबल ओ एच जो है इसमें हाइड्रोजन माइनस आयन जो है वह हो ही नहीं सकता, क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन में माइनस आयन लगता ही नहीं, तो इसका जो संयुग्मी क्षार होगा यह हाइड्रोनियम आयन भी नहीं होगा, और सी एच थ्री सी डबल ओ एच टू प्लस आयन जो है यह भी नहीं हो सकता, इसमें माइनस रहना चाहिए। तो देखिए ये जो है प्लस आता है इसका आयन, और अगला जो आयन आएगा वह माइनस आएगा, तभी दोनों जुड़ सकता है, यानी सी एच थ्री सी डबल ओ एच होगा संयुग्मी क्षार इसका। अगला क्वेश्चन है, वह सूचक वे पदार्थ हैं जो अम्ल के साथ रंग देते हैं, क्षार के साथ रंग देते हैं, अम्ल तथा क्षार दोनों के साथ रंग देते हैं, अम्ल तथा क्षार के साथ भिन्न भिन्न रंग देते हैं। हाँ, इसका राइट आंसर होगा डी, अम्ल तथा क्षार के साथ भिन्न भिन्न रंग देते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में त्रिभाष्मिक अम्ल है एच थ्री पी ओ फोर। त्रिभाष्मिक यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्या होता है, त्रिभाष्मिक एच थ्री पी ओ फोर या फिर एच थ्री पी ओ थ्री, तो इसका राइट आंसर है एच थ्री पी ओ फोर। यहाँ पे देखिए यहाँ पे त्रिभाष्मिक क्या है, तो एच थ्री भी एक प्रकार के भस्म जैसे कार्य करता है, पी ओ फोर भी करता है, और यहाँ पे फॉस्फोरस भी करता है, इसलिए यह होता है त्रिभाष्मिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है वह एन एस सी एल का पी एच मान है, एन एस सी एल का पी एच मान लगभग 7 के बराबर होता है, यानी उदासीन रहता है इसका पी एच मान। अब अगला क्वेश्चन है वह है अभिक्रिया एच टू ओ प्लस एच सी एल जो कि हाइड्रोनियम आयन देता है एच थ्री ओ प्लस आयन और क्लोरीन आयन देता है, में एच टू ओ का व्यवहार होता है। एच टू ओ का व्यवहार कैसा होता है, अम्ल जैसा होता है, क्यों? क्योंकि एच सी एल डाला है तो एच टू ओ जो है अम्ल जैसा व्यवहार करेगा, या फिर क्षार जैसा, या फिर लवण जैसा, या फिर इनमें से कोई नहीं, इसका राइट आंसर है अम्ल जैसा। अगला क्वेश्चन है अम्ल एक यौगिक है जो कि इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, प्रोटॉन देता है, इलेक्ट्रॉन से संयोग करता है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अम्ल जो है वह प्रोटॉन दाता है, यह भी ध्यान दीजिएगा, और प्रोटॉन दाता है और इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं करता है, इलेक्ट्रॉन ग्राही होता है अम्ल। यहाँ तक जो है इस चैप्टर का जितना भी प्रैक्टिस क्वेश्चन था, यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न, वह समाप्त होगा। अब आगे आने वाले वीडियो में हम देखेंगे, जैसे आज हम देख लिए अम्ल तथा क्षार तथा लवण के बारे में, अब इसके आगे आने वाले वीडियो में देखेंगे महत्वपूर्ण लवण के बारे में, और उसके बाद देखेंगे कार्बन एवं उसके यौगिक के बारे में। इसका पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा पीडीएफ।